हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमारे एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे और जो पढ़ने का माध्यम होगा वो हिंदी मीडियम होगा। तो इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुणधर्म देखेंगे धातु के। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, ये सबको पता होता है। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं हम धातु के। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, चांदी और तांबा सबसे अधिक अच्छे चालक है, और लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। तो तांबा और चांदी है जो सबसे अच्छे चालक है, इसीलिए तांबे का तार बनाया जाता है। चांदी तो महंगी होती है, इसलिए चांदी का नहीं तांबे का तार बनाया जाता है, जो घरों में बिजली आती है उसके लिए। अब अधातु, अधातु की तुलना में धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम है। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातु के कुछ उदाहरण हैं। ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव होती है, इसके अलावा सारी धातुएं अधातुएं या तो ठोस या फिर गैस होती है। धातुएं तथा अधातुओं के सामान्य गुणधर्मों की चर्चा। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। हथेली पर रखने से ये धातुएं पिघलने लगेगी। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, प्रत्येक रूप में अपरूप कहते हैं। कार्बन है उसकी विभिन्न अवस्थाएँ होती है, उसको अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है एवं इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट है, विद्युत का सुचालक है। सारी धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारी धातु इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, इसके घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है? तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु में की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है। तो ये कॉपर की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा सारी दोनों प्रकृति के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा सारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। अम्ल तथा सारक के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, तो ये अम्ल के साथ Al2O3 एल्यूमिनियम की अभिक्रिया करने पर 2AlCl3 और जल बनता है, और क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर ये सोडियम एल्यूमिनेट प्लस जल बनता है। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील है, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्षार बनता है, और पोटेशियम ऑक्साइड के जल के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्षार बनता है। पोटेशियम तथा सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है, जल के साथ वह खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को खुला या जल में नहीं रखते, क्योंकि विस्फोट हो जाता है सोडियम को खुला रखने पर, इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डूबकर सुरक्षित रखा जाता है, खुले में नहीं रखा जाता और पानी में भी नहीं रखा जाता। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए
इसलिए ये स्वतंत्र रूप में भी पाए जाते हैं। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। सभी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। धातु प्लस जल तो धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। धातु ऑक्साइड प्लस जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्मा से भी होती है कि उससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। तो ये अभिक्रिया हो गई, ये उष्मीय ऊर्जा निकलती है इस अभिक्रिया में। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है या उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। एल्यूमिनियम आयरन तथा जिंक जैसे धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। तो ये एल्यूमिनियम की अभिक्रिया हाइड्रोजन जल के साथ कराते हैं तो ये Al2O3 बनता है और ये हाइड्रोजन गैस। लेड कॉपर सिल्वर तथा गोल्ड जैसे धातु जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। क्या होता है जब धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है? धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, ये N2O, NO, NO2, ये सभी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज MN अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। वह सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी सारणी, सक्रियता श्रेणी की सारणी। धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, ये के पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये आदि सबसे अधिक क्रियाशील है। फिर जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर ये घटती अभिक्रियाशीलता है इनकी। तो सबसे कम अभिक्रियाशील तो ये गोल्ड और सिल्वर सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म, भौतिक प्रकृति, धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्य जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। अब विद्युत चालकता, किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थित वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप में गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं की प्राप्ति, पृथ्वी की भूपट्टी यानी ऊपरी परत धातुओं का मुख्य स्रोत है। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपट्टी के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिसे निकाला लाभकारी होता है, जिसे खनिजों को एस कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण, कुछ धातुएं भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ धातुएं अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उदाहरण के लिए गोल्ड
सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर एवं सिल्वर अपने सल्फाइड या ऑक्साइड की गैस के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम इतनी अधिक विक्रियाशील होती है कि ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती। सक्रियता श्रेणी के मध्य धातुएं जिंक, आयरन और ये लेड आदि अभिक्रियाशील मध्यम होती है। पृथ्वी की भूपट्टी में ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बन के रूप में पाई जाती है। ये अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, गलित धातु का विद्युत उपघटन और शुद्ध धातु। ये अयस्क का सांद्रण किस प्रकार करते हैं इसकी सारणी है, आगे देखते हैं। अयस्कों का समृद्धिकरण, पृथ्वी से खनिज अयस्कों को मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंक कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने के लिए करने से ही धातु प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए सीनेबार HGS, मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरी ऑक्साइड HGO के में परिवर्तन होता है और अधिक गर्म करने पर मरकरी ऑक्साइड मरकरी में अपचयित हो जाता है। तो ये अभिक्रिया है। प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके उसको यश के अलग किया जा सकता है। तो Cu2S को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड यश को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को भ्रजन कहते हैं। कार्बोनेट यश को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। जिंक के अयस्कों को भ्रजन एवं निस्तापन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ये जिंक सल्फाइड की ऑक्सीजन का अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है निस्तापन। आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों के दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ये अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटन अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये कैथोड पर अभिक्रिया हुई Na+ और ये एनोड पर। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विद्युत अपघटनीय अपचयन से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।